ऐसा अजीब गांव कभी नहीं देखा होगा। यहाँ बिल्कुल लाल की अनुमति नहीं है। एक लाल फूल, इसे जल्दी से उतारो, फिर इसे दफना दो, क्योंकि गांव में एक भयानक किंवदंती है। बताया जाता है कि गांव के आसपास के जंगल में एक डरावना राक्षस है, लाल इसकी वर्जित है। अगर गांव में लाल दिखाई दे, राक्षस गांव में प्रवेश करेंगे। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, और ग्रामीण गांव नहीं छोड़ सकते, नहीं तो यह मौत की ओर ले जाएगा। तो गांव के पूर्वजों ने राक्षस के साथ आम सहमति बना ली। जब तक स्क्रीन के सामने लोग लाइक और फॉलो करते हैं, राक्षस उन्हें चोट नहीं पहुंचाते। पूरे समय ग्रामीण इस समझौते का पालन करते हैं। हालांकि इस दिन अहवेई ने ग्राम समिति को एक आवेदन प्रस्तुत किया। माँ की हालत बिगड़ती जा रही है, मेरी माँ को ठीक करने के लिए गांव में कोई दवा नहीं है, दवा खरीदने के लिए केवल जंगल के माध्यम से शहर में। ग्राम सभा ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, जंगल में घुस गया। मैं अभी दो कदम नहीं चला हूँ, गर्जना हुई। अहवेई तीसरे इमोटिकॉन पैक से सीधे तौर पर डर गए थे। घूमो और छोड़ो, वो इस दिन से है। गांव में आए दिन अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। आज रात ग्रामीणों को अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने जल्दी से चेक करने के लिए बोर्ड खोला, ये लाल लबादे में एक राक्षस निकला। उन्होंने तुरंत एयर डिफेंस का सायरन बजाया। सायरन की आवाज़ सुनते ग्रामीण, अपने परिवार को ले जाओ और तहखाने में छिप जाओ। अहवेई ग्रामीणों को दरवाजे और खिड़कियां बंद करने में मदद करता है, और राक्षस धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। अहवेई जल्दी से घर के पीछे छिप गया, ये बच गया। नेत्रहीन शियाओमी दरवाजे के बाहर अहवेई के घर आने का इंतजार कर रहा है। परिवार ने उसे जल्दी से छिपने के लिए कहा, लेकिन शाओमी अविचलित था। राक्षस को नजदीक आते देख सौभाग्य से अहवेई समय पर दिखाई दिए। दरवाजा बंद करो और तहखाने में छिप जाओ। इस समय दैत्य बहुत हिंसक हो गया, ग्रामीण दहशत से कांप उठे। अगले दिन तक प्रतीक्षा करें। गांव के हर दरवाजे सभी राक्षसों द्वारा अजीब प्रतीकों के साथ चिन्हित। इस समय अहवेई ने गहरा दोषी महसूस किया, हालांकि ग्राम प्रधान ने उसे दोष नहीं दिया। लेकिन रात में अजीब चीजें फिर से होती हैं। यह एक रहस्यमयी और भयानक गांव है। जब तक गांव में लाल है या ग्रामीण गांव से बाहर चले जाते हैं, डरावने राक्षस दिखाई देंगे, क्योंकि अहवेई ने आधा कदम जंगल में कदम रखा। इससे गांव में अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। इस दिन दाजून ने जियोमेई को लाल जंगली फलों का एक गुच्छा दिया, इसलिए अहवेई ने उसे खोजने के लिए जल्दबाजी की। उससे सीखा, वो अक्सर जंगल में लाल जंगली फल तोड़ने के लिए भागता था। इतना ही नहीं, राक्षसों का सामना नहीं किया, सकुशल गांव लौट जाओ। अहवेई हैरान दिखे, न सिर्फ गांव छोड़ दें, क्या ये राक्षसों द्वारा खाया जाएगा? दाजून सुरक्षित और स्वस्थ क्यों है? अहवेई के मन में फिर से गांव छोड़ने का विचार आया, लेकिन जब वो जंगल में कदम रखने वाला था, अजीब चीजें फिर से हुई। एयर ने रात्रि भोज का आयोजन किया, तुमने जो सुअर का मांस 9 रुपए में खरीदा था उसे जंगल में फेंक दो, राक्षसों को शांत करते थे। जब ग्रामीणों ने सोचा कि यह सुरक्षित है, अचानक एक दहाड़ सुनाई दी। घबराया हुआ लड़का कहता है कि उसने एक राक्षस को देखा। जब ग्रामीण जांच करने निकले, हर जगह सिर्फ मरे हुए जानवर मिलते हैं। पूरा गांव बड़ा अजीब हो गया है। रात में देर से शियाओमी को नींद नहीं आ रही है, थोड़ी हवा लेने के लिए बाहर आओ। मैं अभी अभी अहवेई से मिला जो चांद का आनंद ले रहा था। शियाओमी ने उसे दिलासा दिया कि वह खुद को बहुत ज्यादा दोष न दे। अहवेई ने शियाओमी से अपने प्यार का इजहार किया, और दोनों की हरकतें सभी दाजून द्वारा देखे जाते हैं। तो अगले दिन आईमु शियाओमी के दाजून ने अहवेई को ढूंढा। आगे की हलचल के बिना ही डाकू से सीधे अहवेई के पेट में वार किया। अहवेई जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए, लेकिन दाजून का रुकने का इरादा नहीं है, इसलिए मैं स्थिति की जांच करने के लिए दरवाजे पर गया। कोई नहीं देख रहा है, और अहवेई के लिए दो चाकू बनाने की देखभाल करना। लंबे समय के बाद नहीं, शियाओमी अहवेई के घर आया। अहवेई, जो गंभीर रूप से घायल था, पाया गया। गांव के डॉक्टर ने घाव का कुछ समय के लिए इलाज करने में उसकी मदद की, लेकिन गांव में चिकित्सा शर्तों के साथ एक वेई को बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता, कभी भी मर सकता है। शाओमी के पास अपने पिता को खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो ग्राम प्रधान थे। दवा खरीदने के लिए शहर जाने के लिए आवेदन करें। शो का कुल बेटी को देख उसके पिता केवल अनिच्छा से उसके लिए सहमत हो सकते थे, लेकिन शाओमी के जाने से पहले, लेकिन उसके पिता ने उसे गांव का एक बड़ा राज बताया। लड़की को पिता द्वारा डरावना केबिन में ले जाया गया। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। तो ये सब नकली है, और वो डरावना लाल राक्षस, ये भी गांव के बुजुर्ग होने का नाटक कर रहे थे, पिता ने शाओमी को बताया। ऐसा करने का कारण बस सभी ग्रामीणों की रक्षा के लिए, उन्हें आराम से गांव में रहने दो, क्योंकि गांव के संस्थापक बाहरी दुनिया से निराश, इसलिए उन्होंने एक साथ गठन किया ये सुनसान गांव। पिता बेटी से कह रहे हैं कि चिंता मत करो, हिम्मत करके गांव से बाहर, लेकिन आपको राज रखने में उसकी मदद करनी होगी। तो अगले दिन ग्राम प्रधान ने दो मजबूत पुरुषों और उनकी बेटी को एक साथ जाने की व्यवस्था की, लेकिन वे रहस्य नहीं जानते, तो दो कदम चलने के बाद मैं मुड़ा और चला गया। शियाओमी को अकेले ही जाना पड़ा, लेकिन इस समय वो गलती से गहरे गड्ढे में गिर गई। सौभाग्य से उसने समय पर जवाब दिया, पेल को पकड़ लिया, थका हुआ आसानी से ऊपर चढ़ गया। चूंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अभिभूत हो जाता है। हालांकि इस समय बहुत दूर से एक परिचित दहाड़ आई, जल्द ही राक्षस उसके सामने प्रकट हो गया। शियाओमी घबरा गया, भाग जाओ। इस समय शाओमी जल्दी में था, उसकी संवेदनशील सुनवाई के साथ सीधे चकमा, राक्षस सीधा गड्ढे में जा गिरा। पता चला कि यह कोई राक्षस नहीं था, दाजून एक राक्षस होने का नाटक कर रहा है। वो जियोमी को दवा खरीदने के लिए बाहर जाने से रोकना चाहता है। मुझे इसकी वजह से अपनी जान गंवाने की उम्मीद नहीं थी। अंत में शाओमी सफलतापूर्वक जंगल से गुजरा। एक दीवार के ऊपर हुआ यूं कि एक वन सुरक्षा गार्ड यहां से गुजरा। एक छोटी सी चेक के बाद उस आदमी ने दवा खरीदने में उसकी मदद की।
और उसके लिए एक सीढ़ी तैयार की। सौभाग्य से वो समय पर वापस आ गई। दवा उपचार के बाद अहवे की हालत में भी सुधार हुआ और यह भयानक राक्षस का था वहाँ समाप्त नहीं हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहेगा। यह वीडियो का अंत है।